ओके, तो का भैया सब ठीक ठाक बढ़िया। देखिए क्या है ना कि इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस के द्वारा जो ईएमआई कार्ड यानी इंस्टा ईएमआई कार्ड है, इसमें जो बेनिफिट हमें दिया जाता है, ये बेनिफिट कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बाय द वे, बजाज फाइनेंस के इस कार्ड पर, इंस्टा ईएमआई कार्ड पर क्या फी एंड चार्जेस लगाए जाते हैं, हमें देना पड़ता है, और अगर हम कोई भी चीज गलती करते हैं तो उस पर हमें कितना मतलब फाइन लग सकता है, तो इस टॉपिक के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फी एंड चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, और इसमें जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो फिर पॉइंट पर आते हैं। अगर यहां पर हम पहले बेनिफिट की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो पहला बेनिफिट है वो है इजी शॉपिंग। जी हाँ, इस कार्ड के माध्यम से जो शॉपिंग करना है वो आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो कार्ड की फैसिलिटी है ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर देखने को मिलता है, और इसी कारण से ये जो ईएमआई कार्ड है हमारे लिए इजी शॉपिंग का जो विकल्प है ये आसान कर देता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली जब हम किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा रहता है सिविल स्कोर, यानी 700 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, एंड देन फिर आगे का जो प्रोसेस मतलब मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एंड देन उसके बाद फिर सैलरी स्लिप वगैरह खोजा जाता है कि आपका इनकम क्या है फलाना दिन का। बट बजाज के द्वारा ये जो कार्ड है ईएमआई इंस्टा ईएमआई कार्ड, इसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो एक जो आपका एज है वो मिनिमम जो है 21 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 65 ईयर। ओके, दूसरा अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस नहीं भी है, इससे थोड़ा कम है, या फिर इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, तो पर भी आप इस कार्ड के लिए जब अप्लाई करते हैं तो इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाता है। इसी में जो तीसरा पॉइंट है, जो कार्ड आपको अवेलेबल किया जाता है तो यहां पर जो लिमिट आपको दिया जाता है तो मिनिमम जो है 75,000 के आसपास जो है वो मिल ही जाता है। ओके, तो ये एक प्लस पॉइंट है। नहीं तो नॉर्मली जब आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होने के बाद भी वहां पर जो है 10 से 15,000 मैक्सिमम 20,000 जो है वो आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है, तो उसके कंपेयर में ये थोड़ा बेटर मुझे लगा। तीसरा जो बेनिफिट हमें लगा भैया, देखिए 3 लाख रुपए मतलब अप टू 3 लाख रुपए तक का आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पर। जब आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आप देखना, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक लिमिट दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल की 1 लाख का लिमिट आपको दिया गया। अब इस 1 लाख के लिमिट जो 50,000 है वो आपका बताता है कि आप इस 1 लाख में ये 50,000 जो है यूज कर पाएंगे। ओके, आपका जो पहला ट्रांजैक्शन वगैरह होगा तो 50,000 ही आप यूज कर पाएंगे, एंड देन जो आगे मतलब यूज जैसे करते जाएंगे तो फिर वो लिमिट भी आपका बढ़ते जाता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये चीज वहां पर लिखा हुआ आएगा, आपको लिमिट दिखाएगा, आप कितना यूज कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में वो यहां पर शो करेगा, एंड देन और जो आपका ईएमआई बनने वाला प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस होता है वो इनके एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाता है। ये जो सवाल आपने किया था हमारे उस वाले वीडियो पर, पीएन चार्जेस वाले वीडियो पर, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। चौथा जो बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबल, जो आपका यहां पर टर्नओवर होता है यानी रीपेमेंट करने वाला, वो आपको 60 दिनों का मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। पांचवा जो बेनिफिट मुझे लगा, जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस ईएमआई कार्ड का यूज करके परचेस करते हैं और आपका ईएमआई बन गया हुआ रहता है, एंड देन आप अपना पहला ईएमआई जो है वो पे भी कर देते हैं। ओके, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपका मन बदला और आपको जो है पूरा पैसा एक ही बार देना है, और आपको ये जो लोन बेसिकली दिया जाता है तो ये लोन आपको क्लोज्ड करवाना है। अब नॉर्मली अगर हम क्रेडिट कार्ड पर यही चीज करते हैं, या फिर अगर हमारा कोई भी लोन चल रहा होता है और अगर हम उसे फोर्स्ड क्लोज्ड करवाते हैं, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये लोन भैया बंद कर दो, तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो इसे फोर्स क्लोज्ड कहा जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका लोन जो है वो क्लोज तो कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको चार्ज पे करने पड़ते हैं। ओके, तो ये चार्ज यहां पर आपको नहीं देना पड़ता है। अगर आपके पास इंस्टा ईएमआई कार्ड है, आप पहला ईएमआई जो है वो पे कर चुके हैं, अब आपका मन बदला कि भैया अब हमको ये जो है पूरा पैसा देके छुटकारा एकदम चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। इसे फोर्स्ड क्लोज्ड कहेंगे, एंड देन उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ता। बेसिकली इनका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसे ट्रैक कर पाते हैं, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, कितना ईएमआई है, कब पे करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, ये सारा चीज जो है आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। और एक चीज आप गौर करना, जब आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां ई मैंडेट करके आपको ऑप्शन दिखता है, और वो आपको कंपलसरी रहता है। वो बेसिकली इस ई मैंडेट में क्या होता है कि आपको अप्लाई करते टाइम ही आपका बैंक अकाउंट जो है लिंक कर दिया जाता है इस कार्ड से, ताकि जो ईएमआई पे करने वाला टाइम है वो जैसे ही है तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से काट लेगा जो भी अमाउंट होगा ईएमआई का, और वो पे आउट हो जाएगा। ओके, तो इस कारण से ये पहले से ही जो है ई मैंडेट करके जो इनका सर्विस है उसमें आपका बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं, और ये सारा चीज जो है वो आप इनके एप्लीकेशन पर ट्रैक कर पाएंगे। और जो लास्ट बेनिफिट मुझे लगता है, जो कि जिस कारण से ये कार्ड इतना पॉपुलर है, जैसा नाम है इसका ईएमआई कार्ड, तो इस कार्ड पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई वाला जो है फीचर मिल जाता है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आपका जो पहला ईएमआई बनेगा, तो उस पहले ईएमआई में एक चार्ज जो है वो लेते हैं, ये कोई कन्वीनियंस चार्ज जैसा करके था, तो वो चार्ज आपको यहां पर लगाया जाता है, और वो चार्ज आपको फर्स्ट ईएमआई पर पे करना पड़ता है। सेकंड ईएमआई जो आपका बनेगा, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई, उसके बाद जो ईएमआई बनेगा वो नो कॉस्ट ईएमआई पर ही रहता है, एंड देन किसी भी तरह का कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। यानी जितना आपका अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट जो है वो आपको पे आउट करना पड़ता है। अब भैया सवाल आता है, ये पैसा कहां से कमाते हैं फिर? देखिए, इसका जवाब ना हम उस वाले वीडियो में दिए हैं जो फी
जीएसटी एंड चार्जेस से रिलेटेड वाला वीडियो, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस साइड भैया कहीं पर हम चिपका देंगे, तो देख लीजिएगा। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भैया ये जानना बहुत जरूरी है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि भैया कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें, तो देखिए क्या है ना कि अगल का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर हम ला रहे हैं, और अगर वो वीडियो अपलोड हम कर देंगे ना तो यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा।